हमारी दुनिया रहस्यों से भरी है। कुदरत अपने इतने रंग दिखाती है जितने हमारी कल्पना में भी नहीं आते। आज हम कुदरत की एक ऐसी खूबसूरत चीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। करोड़ों रहस्यों से भरी एक पहेली का नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। दोस्तों, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। इसने अपने अंदर इतनी मिस्ट्रीज छुपा रखी है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेज़न रेन फॉरेस्ट 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, अभी तक ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप और हम इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं, पर दोस्तों ऐसे भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे ये दुनिया अभी तक अनजान है। दुनिया के इस सबसे खतरनाक जंगल को वंडर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस जंगल में हर तरफ अविश्वसनीय नज़ारे दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ये जंगल इतना बड़ा है कि अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। आज आप अमेज़न जंगल से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो को पूरा देखिएगा। अमेज़न जंगल में क्या धरती क्या आसमान, हर तरफ खौफ ही खौफ का मंजर है। अमेज़न जंगल की सबसे रहस्यमयी चीज है यहाँ पर रहने वाले लोग। आपको बता दें, अमेज़न जंगल में रहने वाले लोग अद्भुत शक्तिशाली होते हैं। माना जाता है अमेज़न जंगल में केवल वही लोग रह सकते हैं जो समय समय पर खतरों का सामना करना जानते हों। अमेज़न जंगल में रहने वाले लोग यहाँ पर पाए जाने वाले खतरनाक और खूंखार जानवरों को कच्चा चबा जाते हैं। आपने महाभारत के भीम के बारे में तो सुना ही होगा। अगर अमेज़न जंगल के लोगों की तुलना करनी हो तो वो भीम से करना गलत नहीं होगा। दोस्तों, एक और हैरान कर देने वाली बात जो हमारे सामने आई है वो ये है कि ब्राज़ील के कुछ वैज्ञानिक अमेज़न जंगल को और बेहतर जानने के लिए अमेज़न जंगल में घूम रहे थे, पर वो लोग रास्ता भटक गए और आज तक वापस नहीं आए हैं। लोगों का कहना है कि ये लोग अमेज़न जंगल के आदिवासियों के चंगुल में फंस गए और आदिवासियों ने इन्हें मार खाया। अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि जिसमें एक बार कोई फंस जाए तो पूरी उम्र वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है। एक और बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि अमेज़न जंगल में लगभग 50 ऐसी जनजातियाँ हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। इसी तरह आपको बता दें, अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले जीव जंतु भी बहुत खतरनाक और रहस्यमय है। अमेज़न जंगल इतना अद्भुत है कि यहाँ पर पाई जाने वाली चींटी भी विशाल हाथी की जान ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। अमेज़न जंगल में पाए जाने वाली बुलेट चींटी इतनी जहरीली है कि वो अगर हाथी को डंक मार ले तो हाथी की जान तक चली जाए। इसी तरह अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले मेंढक बहुत सुंदर और आकर्षित होते हैं, लेकिन इनका विष बहुत खतरनाक माना जाता है। इन मेंढक को छू लेने मात्र से ही इनका जहर शरीर पर चढ़ जाता है और मृत्यु तक ले जाता है। दोस्तों, ब्लैक काइमन नाम का एक मगरमच्छ इस जंगल में पाया जाता है। ये पानी के अंदर होता है तो ऐसा लगता है कि किसी पेड़ की परछाई है। ये अपने रंग के कारण छुपकर रहता है और लोगों पर हमला कर देता है। और अमेज़न जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा भी पाया जाता है। एनाकोंडा के बारे में तो आप सभी जानते हैं। एनाकोंडा किसी भी इंसान को कच्चा निगल जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गुलाबी रंग की डॉल्फिन देखी है? अगर नहीं तो आपको बता दें, अमेज़न जंगल में ये विचित्र गुलाबी रंग की डॉल्फिन अमेज़न नदी में पाई जाती है। अब तक तो आप ये जान चुके होंगे कि अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग और यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु पूरी दुनिया से ज़्यादा रहस्यमय और खूंखार है। अमेज़न जंगल में 390 अरब से ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं। ये वृक्ष इतने घने और बड़े होते हैं कि यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती है। एक और बड़ी बात ये है कि दुनिया की कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा अमेज़न जंगल प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, अमेज़न जंगल के बारे में जो आप सुनने जा रहे हैं उस पर शायद आप विश्वास ही ना करें। आपको बता दें, अमेज़न जंगल में पाम ट्री के नाम से कुछ पेड़ पाए जाते हैं। ये पेड़ धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकते रहते हैं। इसके पीछे क्या वजह है ये अब तक कोई नहीं पता लगा सका है। अमेज़न जंगल के पेड़ इतने घने हैं कि जब भी यहाँ बारिश होती है तो बारिश के पानी को ज़मीन तक आने में कुल 10 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, अमेज़न जंगल के रहस्यों की इस कड़ी में अगला नाम आता है द बॉयलिंग रिवर का। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न जंगल में एक ऐसी अद्भुत नदी पाई जाती है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। इस नदी का तापमान
86 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस नदी को सभी वैज्ञानिक सबसे बड़ा थर्मल रिवर मानते हैं। आपको बता दें, इस नदी की खोज साल 2011 में आंद्रे रूजो ने की थी। माना जाता है कि इस नदी के आसपास अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें जलाया नहीं जाता बल्कि इस नदी में बहा दिया जाता है। एक और विशेष बात यह है कि अगर कोई जीवित व्यक्ति इस नदी में गलती से गिर जाए तो इस नदी का पानी इतना गर्म है कि उस व्यक्ति की जल के मृत्यु हो सकती है। आपको बता दें, अमेजोन जंगल में उड़ने वाले पक्षी भी बहुत खतरनाक होते हैं। इस जंगल में ईगल नाम का पक्षी भी पाए जाते हैं। ये जिंदा जीव जंतुओं को उठाकर ले जाते हैं और उन्हें मारकर अपना भोजन बनाकर खा जाते हैं। दोस्तों, अब तक आपने अमेजोन जंगल के बहुत से रहस्यों के बारे में जान लिया है। अब आपको अमेजोन जंगल के वातावरण के बारे में बता दें। यहाँ के भौगोलिक वातावरण की विचित्रता समझ से बिल्कुल परे है। यहाँ पर कभी कभी तो बहुत तेज बारिश होने लगती है तो कभी कभी एक बूंद भी नहीं टपकती है। अमेजोन जंगल में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। ये हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित करता है। कुछ समय पहले यहाँ भयानक आग लग गई थी जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोगों और जीव जंतुओं को भारी नुकसान हुआ, पर ये आग कैसे लगी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चल पाया। अमेजोन जंगल में पाई जाने वाली अमेजोन नदी भी अपने आप में बहुत विशेष है। अमेजोन नदी भी रहस्यों से भरी हुई है। अमेजोन नदी का सबसे बड़ा रहस्य है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी होने के बावजूद इस नदी पर एक पुल भी नहीं है। इस नदी पर पुल ना बनाए जाने के लोग तरह तरह के तर्क देते हैं। साथ ही अमेजोन नदी के नीचे एक और गुप्त नदी भी है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। आपको बता दें, अगर अमेजोन जंगल को एक देश घोषित कर दिया जाए तो ये विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश होगा। अमेजोन जंगल का एक और राज हमारे सामने आया है। पेरू की इक्विटोस सिटी विश्व का ऐसे सबसे बड़ा शहर है जहाँ जाने के लिए कोई रोड नहीं है, इसलिए इसे सीक्रेट सिटी के नाम से जाना जाता है। ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बीच कहीं बसा हुआ है और यहाँ की आबादी लगभग 4 लाख है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में बहुत तीव्र गति से डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई होती जा रही है। 1.5 एकड़ प्रति मिनट की स्पीड से इस रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर अमेजोन जंगल में हो रही पेड़ों की कटाई को ना रोका गया तो पूरी दुनिया को जल्द ही सीवियर ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी, फल इत्यादि की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। अमेजोन जंगल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के 80% खाद्य पदार्थ अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हमारे जीवन के उचित नियंत्रण के लिए अमेजोन जंगल को सही सलामत रखना हमारा कर्तव्य है। लोग लालच में और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अमेजोन जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इतना खूबसूरत दिखने वाला अमेजोन रेन फॉरेस्ट दुनिया की बर्बादी का कारण बन सकता है। दोस्तों, आज हमने अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बहुत सारे रहस्यों के बारे में जाना है। हमारे चैनल पर पिछले कुछ वीडियोस में हमने अमेजोन जंगल के खतरनाक जानवरों और अमेजोन नदी के बारे में भी बताया है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।